हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के बारे में, जिसमें आज हम एपिसोड नंबर 11 और 12 को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काजीरो दिखाई देता है, जिसको चोट लगी होती है और उसे बहुत खून बह रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड़ा होता है। और दूसरी ओर सारे देवता पोसिडन का हौसला बढ़ाते हैं और सारे देवता पोसिडन को गॉड ऑफ गॉड कहते हैं। लेकिन तभी पोसिडन उनकी ओर गुस्से की नजर से देखता है और सारे देवता डर के चुप हो जाते हैं। पोसिडन को देखकर ब्रुनेलो को भी पसीना आ जाता है। फिर काजीरो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं, कम से कम उनको एक्सेप्ट तो करो। पोसिडन कहता है कि भगवान को न तो सेना की जरूरत है और न ही प्लान की जरूरत होती है। वह किसी से भी बात नहीं करते, न ही किसी पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो सब कुछ है और हमें किसी भी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। फिर काजीरो कहता है कि यह है देवता, तब तो तुम्हारा अस्तित्व बहुत ही ज्यादा खराब है। और यह सुनकर पोसिडन गुस्सा हो जाता है और वो हवा में कूदते हुए फुल स्पीड में हमला करता है और काजीरो उसके हमले को रोकता है। दोनों एक दूसरे से फुल स्पीड में फाइट कर रहे थे, तभी पोसिडन चियोन टायरो डायमीटर का इस्तेमाल करता है। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे टोर्नेडो जैसा माहौल हो जाता है। सारे देवता और इंसान यह देखकर चौंक जाते हैं। फिर हर्मिस पोसिडन के हमले के बारे में एरिस को बताता है और दूसरी ओर काजीरो पोसिडन के एक के बाद एक हमले को रोक रहा था। और काजीरो तभी मौका देखता है, तो वो गैमरेजो टियोटिवाकारी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पोसिडन उससे बच जाता है। वो उसके पीछे चला जाता है और काजीरो पीछे मुड़ के उसकी ओर देखता है। तभी पोसिडन अपने हथियार से उसकी तलवार के टुकड़े कर देता है। यह देखकर गोल और ब्रुनेलो को झटका लगता है और काजीरो की तलवार के दो टुकड़े हो जाते हैं। एरेस कहता है कि अब ये खेल खत्म हुआ। सारे लोग यही सोचते हैं कि अब ये मैच फिनिश हो गया है। सारे इंसान उदास हो जाते हैं। काजीरो कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। फिर उसके बाद हमें पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काजीरो और मुसाशी की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर मुसाशी लड़ाई में लेट आता है और उससे नाराज होकर काजीरो अपने तलवार के मैन को पानी में फेंक देता है। मुसाशी कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे तलवार के मैन की जरूरत नहीं है तो तुम हार रहे हो। दोनों के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है और काजीरो को अंत में ऐसा लगता है कि उसको हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसे लड़ने में मजा आ रहा था और वो अपने आप को लड़ने से रोक नहीं पा रहा था। मुसाशी को भी पता चल जाता है कि काजीरो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो लड़ाई करना बंद नहीं करेगा। पर इस लड़ाई के अंत में अगर उसे मौत भी मिलेगी तो वो उसे स्वीकार्य है। तो वो दोनों लड़ रहे थे और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। फिर उसके बाद काजीरो अपने सुमागेगामी का इस्तेमाल करता है और वो मुसाशी के चेहरे पे हमला करता है। उसके बाद मुसाशी भी अपनी दोनों तलवारों से काजीरो पे हमला करता है, जिससे काजीरो की मौत हो जाती है, लेकिन काजीरो अंत में खुश था। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर काजीरो पोसिडन से पूछता है कि मुझे तुम्हें पूछते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी पूरी रात कभी ट्रेनिंग की है बिना ब्रेक लिए और किसी दुश्मन ने तुम्हें स्ट्रांग बनाया है? उसका आभार मानते हुए क्या तुम्हारी आँख में से कभी आंसू आए हैं? फिर उसके बाद काजीरो कहता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद काजीरो अपने तलवार के टुकड़े को उठाता है। वो कहता है कि ये तलवार प्रतीक है उन सारे विरोधियों की जिनके साथ मैंने जुनून से फाइट की थी। फिर उसका टूटा हुआ तलवार का टुकड़ा चमकने लगता है और सारे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। और वहां पर हिस वाल्केरिस अपने रूप में आती है और वो अपने दो रूप में अलग अलग तलवार में समा जाती है। हिस्ट को देखकर बेल खुश हो जाती है और ब्रुनेलो को पूछती है कि टूटी हुई तलवारें दो कैसे बन गई और हिस्ट कैसे बच गई। ब्रुनेलो कहती है कि वही उसकी असली ताकत है। ब्रुनेलो कहती है कि वो सिर्फ एक ही वाल्केरिय से जिसके पास दो अलग अलग रूप की ताकत है। बॉल कहती है कि आपने उसको काजीरो के साथ भेजकर बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। ब्रुनेलो चिल्ला कर कहती है कि वाह क्या लक है मेरा। और यह सुनकर बॉल कहती है कि क्या ये तुम्हारा प्लान नहीं था, मतलब कि तुमने हवा में तीर मारा था। फिर पोसिडन और काजीरो एक दूसरे से फाइट करने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे पे हमला स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर की फाइट दे रहे थे। काजीरो को देखकर मुसाशी का लड़का कहता है कि पापा यह आपका मुंह है। मुसाशी कहता है कि काजीरो ने मरने के बाद भी
मेरे साथ अपने मन में हजार बार लड़ाई की थी। फिर कोजीरो उन सारे लोगों के मूव्स का इस्तेमाल करता है जिनसे उसने फाइट की थी, और कोजीरो इतने अलग अलग मूव्स के साथ एक साथ फाइट कर रहा था जिससे पोसिडन भी उसे समझ नहीं पाता, और कोजीरो उसके चेहरे पर घाव दे देता है। और कोजीरो एक के बाद एक पोसिडन पे हमला करता है, और पोसिडन को जहाँ भी चोट लगती है वहाँ से खून निकलने लगता है। फिर उसके बाद पोसिडन और कोजीरो रुकते हैं, और पोसिडन का शरीर खून से लाल हो जाता है। ये देखकर सारे देवता हैरान हो जाते हैं, और दूसरी ओर सारे इंसान खुश हो जाते हैं। सारे इंसान कोजीरो का हौसला बढ़ाते हैं। फिर पोसिडन सीटी बजाने लगता है और सारे लोग डरने लगते हैं, क्योंकि जब भी पोसिडन ने सीटी बजाई थी तब उसने सामने वाले की बजाई थी, और वो अपने खून को अपने बालों में लगाता है, और वो एक भयानक नजर से कोजीरो की ओर देखता है। वो कोजीरो को कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सारे मूव्स को देख सकते हो। और फिर पोसिडन फुल स्पीड में कोजीरो पे हमला करता है। फिर वो एक के बाद एक अपने हथियार से कोजीरो को मारता है। कोजीरो को खून निकलने लगता है। पोसिडन एकदम सीधा हमला करने लगता है, और वो मेदुरा एल ऑफ डायमीटर नाम का हमला करता है। वहां पर कोजीरो डरा हुआ होता है, वहां पर एक बड़ा तूफान होता है। पोसिडन ऐसा हमला करता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इतना खतरनाक हमला होने के बावजूद भी कोजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पोसिडन कोजीरो पे एक जोरदार हमला करता है। कोजीरो को लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब वो हार गया है। कोजीरो लगभग पूरी तरीके से हार मान गया था, लेकिन तभी उसे अपने अपोनेंट्स दिखाई देते हैं जिनके साथ उसने लड़ाई की थी, और वो सारे लोग कोजीरो को कोजीरो कोजीरो कहकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। कोजीरो होश में आता है और वो सोचता है कि ये क्या था। अभी वो अपने आसपास देखता है तो सारे लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे, वो सारे तलवारबाज जिनसे उसने फाइट की थी। तो ये देखकर कोजीरो खुश हो जाता है और जीतने के लिए उसे उम्मीद मिल जाती है। सारे तलवारबाजों को लगता था कि कोजीरो की असली ताकत अभी बाहर नहीं आई है, और उन्हें यकीन था कि कोजीरो जीतेगा। फिर उसके बाद कोजीरो पोसिडन के हमले को रोक देता है। फिर उसके बाद कोजीरो सारी हरकतों को सुन सकता था, चाहे वो हवा की गति हो या फिर जमीन की कंपने की आवाज हो। फिर पोसिडन उस पर लगातार हमला करता है, लेकिन कोजीरो उस हमले से आराम से बच जाता है। फिर उसके बाद कोजीरो हवा में उड़ते हुए पोसिडन पे हमला करता है, और वो पोसिडन के एक हाथ को काट डालता है, और ये देखकर सारे लोग चुपचाप हो जाते हैं जैसे कि टाइम ही रुक गया हो। पोसिडन अपने दूसरे हाथ से हथियार को पकड़ के कोजीरो पे हमला करता है, लेकिन कोजीरो उसका दूसरा हाथ भी काट डालता है। सब कुछ देखकर देवता को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर पोसिडन आखिर में अपने मुंह से हथियार को पकड़ के कोजीरो पे हमला करता है, और तभी कोजीरो अपनी दोनों तलवार से जोर से हमला करता है। पोसिडन के शरीर को बीच में से काट डालता है, और वहाँ पर पोसिडन के शरीर के टुकड़े होकर नीचे गिर जाते हैं। और ये देखकर गोल और ब्रुनेले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बाकी तलवारबाज भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ तो इमोशनल होकर रोने भी लगते है। अरे भाई इमोशनल होके क्यों ना रोए, इंसान की ओर से ये पहली जो जीत थी। और पोसिडन का पूरा शरीर नीचे गिर जाता है, और कोजीरो थकते थकते कहता है कि आखिर में जीत ही गया। हैंडबॉल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे घोषणा तो करनी ही थी, और वो घोषणा करता है कि दूसरे राउंड का विनर है इंसान की ओर से कोजीरो सासाकी। और दूसरी ओर देवता को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान ने एक भगवान को मार डाला। वो सारे चुपचाप बैठे हुए थे, दूसरी ओर सारे इंसान बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, सारे लोग कोजीरो कोजीरो कहते हैं। ब्रुनेले भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वो मन में ही कहती है कि ये है मानवता की असली पावर। पर तभी वहां पर कोजीरो नीचे गिरने वाला होता है, तभी वहां पर हिस्ट वाल्केरेस आकर उसे पकड़ लेती है, और हिस्ट गुल को कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। फिर उसके बाद दूसरी ओर देवताओं की बैठक बुलाई जाती है, जहां पर सारे देवता गुस्से में थे, और वो सोच रहे थे कि एक इंसान ने भगवान को कैसे मार डाला। फिर जूस कहता है कि मानव मजबूत है, और ब्रुनेले ने पूरा इरादा बना दिया है हमें हराने का। लॉर्ड शिवा कहते हैं कि अगले राउंड में मैं जाऊंगा, हालांकि जूस उन्हें रोकते हैं, और वो कहते हैं कि हम ग्रीक गॉड को जाने दो, क्योंकि हमारा ग्रीक गॉड मारा गया है, उसका कर्ज हमें चुकाना है। लॉर्ड शिवा और लोकी इस बात को मान जाते हैं। फिर उसके बाद गोल ब्रुनेले और हर्मिस को बात करते हुए देखती है। गोल ब्रुनेले से पूछती है, लेकिन ब्रुनेले उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर उसके बाद हमें हैंडबॉल दिखाया जाता है, और वो कहता है कि देवताओं ने दो मैच जीती है और मानव ने एक जीती है। वो कहता है कि अब अगला राउंड शुरू होगा, लेकिन इस बार स्टेडियम को फिर से तैयार किया गया है, और अब वो 19वीं सदी के लंदन में होता है, यानी कि आने वाले मुकाबले अब हम इंसान के होम ग्राउंड में होंगे। फिर उसके बाद हैंडबॉल अनाउंसमेंट करता है,
कि अब वो जो इंसान की ओर से आने वाले हैं, उन्होंने 1888 में लंदन में भय का माहौल बना दिया था। सबसे बुरा इंसान और मानव जाति का फेमस हत्यारा और उसका नाम है जैक द रिपर। वहाँ पर जैक द रिपर की एंट्री होती है। यह सब कुछ सुनकर सारे मानव हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि सबसे बड़ा हथियारा उनकी ओर से मैच लड़ने वाला है। फिर उसके बाद हैम्बोल कहता है कि अब जो देवताओं की ओर से आ रहे हैं, सबसे बहादुर योद्धा और आधे इंसान और आधे भगवान, उनका नाम है हरक्यूलिस। और वहाँ पर हरक्यूलिस की एंट्री होती है और उसे देखकर सारे देवता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सारे लोग, चाहे वो इंसान हो या भगवान, सब बहुत ही ज्यादा उत्साह में थे कि आखिर में इन दोनों में से कौन जीतेगा। और यहाँ पर ये एपिसोड के साथ ये सीजन भी होता है फिनिश। यार नेटफ्लिक्स वालों इतनी छोटी सीरीज क्यों बनाई, थोड़ी और फाइट डाल देते। लेकिन नहीं, नेटफ्लिक्स वालों को तो 2-3-4 सीजन निकालनी है। तो दोस्तों, सीजन 2 का वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सीजन 2 इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इस सीजन 2 में हमें फाइट देखने को मिलेगी लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड बुद्धा की और हरक्यूलिस की। तो मजा तो डबल आने वाला है। होप करते कि सीजन 2 अगले साल के मिड तक आ जाए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट भी जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। हमारे चैनल पर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।